तो जैसे कि दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 13 के अब तक के तकरीबन 5 महीने के सफर में टॉप 15 में से 8 कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो चुके हैं और दोस्तों इस हिसाब से शो में आगे के सफर में अब रह गए हैं टॉप 7 कंटेस्टेंट्स। जी हां, जिनमें से बहुत ही जल्द शो के फिनाले के लिए उसके टॉप 5 फाइनलिस्ट का ऐलान होना है। हालांकि दोस्तों कुछ मीडिया सोर्स की माने तो इस बार के सीजन में टॉप 5 फाइनलिस्ट नहीं बल्कि दोस्तों टॉप 6 फाइनलिस्ट फिनाले में नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों शो में बचे फिलहाल के टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में से ओनली एक सिंगर का इविक्शन और होना है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों टॉप 7 में से वो एक नाम किसका होगा जो हो जाएगा शो से एलिमिनेट, बड़ा सवाल यही है। दोस्तों शो से आखिर कौन होगा एलिमिनेट, उससे पहले आइए जान लेते हैं टॉप 7 कंटेस्टेंट्स आखिर हैं कौन। तो दोस्तों शो के टॉप 7 हैं ऋषि सिंह, विदिप्ता चक्रवर्ती, चिराग कोतवाल, सेन ज्योति दास, शिवम सिंह, देवोस्मिता रॉय और दोस्तों सोनाक्षी कर। जी हाँ, वहीं दोस्तों वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सिंगर सोनाक्षी कर पर एलिमिनेट होने का सबसे ज्यादा खतरा है, जिनके एलिमिनेट होते ही सिंगर विदिप्ता चक्रवर्ती, चिराग कोतवाल, ऋषि सिंह, देवोस्मिता रॉय, सेन ज्योति दास और दोस्तों शिवम सिंह टॉप 6 फाइनलिस्ट होंगे। जी हाँ, हालांकि दोस्तों ये हमारा एक प्रिडिक्शन है जो बदल भी सकता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से शो के टॉप 6 फाइनलिस्ट आखिर कौन हो सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।